अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं धान शिकोरी। ये कोकन साइड की डिश है। ये सालन होता है गोश्त का, तो हमारे यहाँ पर कोकन साइड में शादियों में यही सालन बनाया जाता है। इसको देख का सालन भी कहा जाता है। तो ये मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। तो धान शिकोरी बनाने के लिए मटन के गोश्त का हर पार्ट आपको लेना है, जैसे कि कलेजी, नली का गोश्त और मांडी का गोश्त, सीने का गोश्त, या फिर आप चाप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर गोश्त का फ्लेवर अलग होता है, मतलब हर हिस्से का फ्लेवर अलग होता है। तो सब हिस्से लेने हैं आपको, सब मिक्स हिस्से लेकर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है धान चिकोरी। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये मैंने वाइट वाली प्याज ली है, इस तरीके की जो होती है वो प्याज ली है मैंने। तो प्याज इसमें ज़्यादा लगते हैं, प्याज और टमाटर। तो 3 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइस कर लिया है, और ये स्लाइस किए हुए 3 टमाटर लिए हैं मैंने। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। खड़े मसालों में 3 तेज़पत्ते, 3 लौंग, काली मिर्चें 10 से 12, और 2 हरी इलायची ली है। मसालों में 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून भरकर मैंने ये कोकनी मसाला लिया है, और तेज़ वाली लाल मिर्चें भी ली है 1 टीस्पून। तो अगर आपके पास कोकनी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सारे मसाले ही मिले होते हैं कोकनी मसाले में भी। और ये मैंने नारियल लिया है, ये सूखा नारियल है 2 टेबल स्पून। इसको हम जार में पानी डालकर ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। और हरा धनिया लिया है मैंने, इसमें सौंफ का पाउडर भी जाएगा, बट जो हमारा कोकनी मसाला है उसमें सौंफ का पाउडर मिला हुआ है, सौंफ मिली हुई है उस मसाले में, इसलिए मैं अलग से नहीं डाल रही हूँ। अगर आप घर के मसाले डाल रहे हैं, जैसे आपके पास कोकनी मसाला नहीं है, तो आप सौंफ का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच मैंने तेल लिए हैं, क्योंकि तेल तो ज़्यादा जाएगा ही, तरी वाला सालन बनता है ये। अब उसमें हम चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे, और खड़े मसाले भी तड़क जाने के बाद प्याज डालेंगे। प्याज को बस इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। उसमें मटन को डाल के प्याज के साथ हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने लिया था। इसको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त का कलर चेंज होने तक, और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भून लेना है। और यह बहुत ही मज़े का सालन होता है, बहुत अच्छा बनता है ये सालन। तो आप इसको ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा अलग टेस्ट होता है इसका। तो गोश्त को भुनने के बाद अब इसमें हम हमारे सूखे मसाले जो हमने लिए थे वो सारे ऐड कर देना है, और इनको भी भून लेना है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से मैं जो भी वीडियोस नेक्स्ट डालूँगी रेसिपी के, वो सबसे पहले आपको दिखेंगे। तो ये चॉप किए हुए टमाटर डाले हैं मैंने। टमाटरों को बारीक चॉप नहीं करना है, बड़े बड़े हिस्सों में ही चॉप करना है और डालना है। और इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब जो नारियल हमने लिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है पानी डालकर, ये देखिए स्मूथ पीस लिया है। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। और नारियल के पेस्ट को डालने के बाद भी हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। जितना अच्छा आप इसको भूनोगे उतना ही अच्छा बनेगा ये। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 3 सीटियों में ये गल जाएगा, मगर इसको देग में बनाया जाता है, क्योंकि ये जितना पकता है उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए टमाटरों को अलग से घुलाना भी नहीं पड़ा, वो भूनते में ही घुल चुके हैं टमाटर। तो बड़े बड़े साइज़ के ही डालिएगा टमाटरों को। तो ये देखिए मसालों को भून लिया है मैंने अच्छी तरह से। अब इसमें 2.5 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं, हम इसको पतीले में पका रहे हैं। तो इसको पकने के लिए टाइम लगेगा, 45 मिनट्स तो लगेंगे ही गोश्त को गलने के लिए, तो पानी भी ज़्यादा लगेगा। तो अब इसमें उबाल आने देंगे हम।
देखिए उबाल आ चुका है, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अप कर देंगे लो और इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं, इतना ही थिक रखा है मैंने सालन को। ये देखिए इस तरीके से होती है धान चिकोरी, और ये गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है, गोश्त गल चुका है। तो धान चिकोरी हमारी बनकर रेडी है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे और 2 मिनट के लिए बस इसको पकाएंगे ताकि हरा धनिए का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बहुत ही मज़े का बनता है ये सालन, हमारे यहाँ की कोकन साइड का फेमस है ये, स्पेशल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये मैंने इसके साथ राइस बनाए हैं बिरिस्ते वाले, और कलर डालकर ये राइस इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए धान चिकोरी बनकर रेडी है। हमारे यहाँ इसको शादियों में सर्व किया जाता है पापड़, राइस और अचार के साथ, तो उस तरीके से खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।